हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करने वाले हैं i20 एस्टा ऑप्शनल की। इसमें इंजन ऑप्शंस क्या क्या मिलेंगे मैनुअल में और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, डिटेल से मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो जो वेरिएंट आप देख रहे हैं i20 एस्टा ऑप्शनल मैनुअल, इसमें आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1.5 डीजल इंजन और 1.2 कापा पेट्रोल इंजन। तो हम जो वेरिएंट खड़ा है वो है पेट्रोल, तो मैं इसको डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसकी एक की है, इस की में क्या क्या आपको मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें दो की मिलती हैं आपको रिमोट की। पहला ऑप्शन इसमें लॉक का, दूसरा अनलॉक का है, तीसरा का आपका बूट स्पेस ओपन करने का है और चौथा इसमें अलार्म का है। तो चलिए हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। ये है इसका फ्रंट पोर्शन, जिसमें आपको जो ग्रिल है वो आपकी ग्लॉसी फिनिश ब्लैक ग्रिल मिलेगी आपको, DRL लाइट मिलेगी आपको, ये आपका इंडिकेटर लाइट है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, ये आपके फॉग लैम्प हैं, इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं। इसका अलॉय है 195/55R16 का आपको डायमेंशन मिलता है इसमें टायर साइज में। इसके जो ORBM है वो ऑटो फोल्डेबल है विथ इंडिकेटर लाइट। इसमें आपको डोर हैंडल क्रोम मिल रहेंगे, साइड बिडिंग आपके क्रोम है, अगर आप फ्यूल टैंक ओपन करेंगे तो ये आपका वन टच फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा। जब गाड़ी अनलॉक होगी तभी आप इसको ओपन कर पाएंगे। देखिए, ये i20 की आपको वेजिंग मिलेगी क्रोम में, यहाँ पे एस्टा की वेजिंग मिलेगी आपको। i20 एस्टा में आपको पीछे वाइपर मिलेगा, ये आपका डिफॉगर है, शार्क फिन एंटीना मिलेगा, पीछे सेंसर हैं और ये आपका इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है। देखिए, इसमें अगर मैं पीछे की सीट पे बैठता हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी हुई है पीछे रियर एसी वेंट के साथ। इसमें आपको विंडो के विंडो पे आपको क्रोम फिनिश मिलेगी, i20 एस्टा ऑप्शनल में आपको पीछे हैंड रेस्ट भी मिलता है, ये देखिए। इसका हैंड रेस्ट है, इसमें आपको कप होल्डर नहीं मिलेगा। ये इसका हैंड रेस्ट जो कि एडजस्टेबल है, अगर आप चाहें तो इसको डाउन भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर पा रहा था और अभी ये डाउन हो गया है। देखिए, एडजस्टेबल आपको पीछे का हैंड रेस्ट है, सॉरी एग्जिस्टेबल हैं आपके हेड रेस्ट पीछे के, ये देखिए। चलिए, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ, अब मैं इसके अंदर के फीचर्स आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, इसका ये म्यूजिक सिस्टम है, इनबिल्ट GPS मिलेगा इसमें आपको, स्टीयरिंग पे कंट्रोल है,
चूँकि ये आस्टा ऑप्शनल है तो इसमें आपको ब्लू लिंक का ऑप्शन भी मिलेगा। सन ग्लास होल्डर है आपका, हेलोजन लाइट है आपकी, केबिन लाइट हेलोजन मिलेगी इसका। ये सनरूफ है, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिल रहा है इसमें आपको, देखिए। ऑटो क्लाइमेट एसी मिलेगी आपको, कूलिंग ग्लोव बॉक्स है, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल ऑप्शंस भी मिलता है। ये आपके विंडो के कंट्रोल्स हैं, ये वन टच आपका अप हो जाएगा विंडो, ये वन टच डाउन भी हो जाएगा। चारों विंडो कंट्रोल्स हैं इसमें आपकी, चाइल्ड सेफ्टी लॉक के साथ, लॉक अनलॉक बटन है ये आपकी। मिरर आपके अगर चाहें तो आप अंदर से भी फोल्ड कर सकते हैं, अंदर से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऑटो एडजस्टेबल हैं आपके, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल बोलेंगे। इसमें चूँकि i20 एस्टा ऑप्शनल है तो इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट मिलेगा। लेदर रैप्ड आपका स्टेयरिंग है विथ क्रोम फिनिश। ये आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है, प्लस आपको यूएसबी केबल के साथ, प्लस 12 वोल्ट के चार्जर ऑप्शन के साथ। चूँकि ये मैनुअल है तो इसमें आपको 5 गियर ऑप्शन है। एयर प्यूरीफायर आप इसमें आपको मिल जाता है, एम्बिएंट लाइट मिल जाती है आपको, देखिए। इसमें आपको बॉस के स्पीकर मिलेंगे, ये आपका वाटर होल्डर है। इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिलेगी, देखिए, अप एंड डाउन आप हाइट को कर सकते हो। इसका म्यूजिक सिस्टम है जो कि फुली टच मिलेगा आपको। इसमें जो जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, सेटअप, मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, मैप और वॉल्यूम का, यहाँ से आप इसको पावर ऑफ भी कर सकते हैं। अगर मैं होम पे जाऊँगा तो यहाँ पे इस तरीके की आपको डिस्प्ले मिलेगी। अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो आप इसके मोड भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मोड चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। जो म्यूजिक सिस्टम है ये ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के साथ है, इसमें आपको एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करता हूँ तो इसमें आपको फ्यूल का ऑप्शन दिखेगा, कितना फ्यूल है, कितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी, ये भी आपको दिखेगा। गाड़ी का टेम्परेचर क्या है वो भी आपको दिखेगा। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहा हूँ। देखिए इसमें जो जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखेंगे, ये आपका आरपीएम का ऑप्शंस भी यहाँ पे दिखेगा, हैंड ब्रेक का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। सीट आपने सीट बेल्ट पहना है नहीं पहना है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। फ्यूल आपका जब खाली होगा वो भी आपको दिखेगा। ये फुली आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है आपको। ये आपके इसके एसी के वेंट हैं, देखिए इसका डैशबोर्ड है, चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ मैं आपको i20 की डिटेल के बारे में, डिटेल से दूसरे वेरिएंट के बारे में बताऊँगा। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका i20 स्पोर्ट कराएगा। थैंक यू।